बारिश के बाद हमीरपुर शहर की सड़कों की हालत बदतर बन गई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले राजमार्ग धर्मशाला शिमला की हालत इतनी खराब हो गई है कि वाहन चालकों के साथ पैदल आवाजाही करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर पड़े गड्ढों से कुछ दिन पहले ही पक्की की गई सड़क की पोल खुली है। शहर के नदौन चौक से भोटा चौक तक सड़क पर गड्ढों की भरमार है। हालांकि कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने मिट्टी से गड्ढे भर दिए थे, जो कि अब बारिश होने के बाद दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। सड़क पर पड़े गड्ढों के चलते दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क से पत्थर और गंदा पानी उछलकर दुकानों में घुसता है। दुकानदार ने बताया कि पत्थरों के उछलने से दुकान के शीशे भी टूट रहे हैं, वहीं लोगों को दुर्घटना होने का अंदेशा भी बना हुआ है। दुकानदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा खड्डे पड़े हुए हैं। एक भी निवार पक्का होता है और तीसरे दिन ही डूब जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे में डूब जा रहे हैं हमारी दुकानों में। और जो ये नालियां पत्थर भी अंदर जा रहे हैं, दुकान के अंदर जा रहे हैं पत्थर, और लोग बैठते हैं और गाड़ियां और जो पुलिस वाले खड़े होते हैं। अखबार में भी आए थे थोड़े दिन पहले कि इस रोड का काम हो गया, पर इस रोड की हालत बड़ी खराब है। नाला बना है रोड, जब से हम यहाँ से हैं तब इसे ये खराब ही है, इसको ठीक होने का यही नहीं है, चांस ही नहीं है। बोलते हैं ठीक करेंगे ठीक करेंगे, तो नाली सारी खराब है, सारा पानी बारिश के बाद यहाँ आता है, तो इसको ठीक किया जाए। बड़ी गुजारिश है, यहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा है। जो पत्थर गाड़ियों से निकलते हैं वो हमारी दुकानों के शीशे तोड़ते हैं, और बंदों को भी डर रहता है कि कहीं बंदों को लग जाएगा वो पत्थर, तो शायद उनको भी ज़्यादा लग सकती है। और पुलिस वाला खड़ा होता है उसको भी यहाँ पे सारा पानी उसके ऊपर जाता है। बस इतना सही कहना है कि इस रोड को ठीक करते हैं। स्थानीय निवासी ने बताया कि सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है और कई दफा सड़क पर चलते हुए लोगों के साथ दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द प्रशासन सड़क पर पड़े गड्ढों से निजात दिलाए। पानी आया वो सारा दुकानें अंदर घुस गया, वो देखो आने का पानी जा रहा है, यहाँ से हमने सफाई निकली थी, थोड़ा जाता ये प्रॉब्लम हमारे बिल्कुल 10 साल से बस प्रशासन को बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं बस हफ्ता लग जाएगा 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। पिछले 3 वर्ष खाद बनी थी, अखबार में आया था कि 15 दिन में पूरे चौकों की हट जाएगी दशा, लेकिन नहीं सुनी। जब बारिश होती तो पूरा बारिश काले मिल के पत्थर से उनका शीशा टूट गया, वो बर्मा जी का शीशा टूटा हुआ है, हमारे दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है। प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाया जाए, नहीं तो बरसात आने के पहले पहले अगर ठीक नहीं हो तो हमारे दुकान का पूरा काम नष्ट हो जाएगा। पक्का नहीं हुआ था, उन्होंने मिट्टी डाली है, पक्का नहीं हुआ था। परसों आए थे, उन्होंने फिर मिट्टी डाल दी और फिर चले गए। वो अपने तार पोल नहीं बिछाते हैं, सिर्फ मिट्टी डालते हैं और चले जाते हैं। पत्थर आके किसी को भी लग सकते हैं, जैसे ये परसों एक बंदा यहाँ गिरा, वो सारे चक्के टूटे हुए हैं, और प्रशासन को कई बार बोल चुके हैं 35 में 250 के पास दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई वृद्धा महिलाएं यहाँ से गिर चुकी हैं, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी चक्कों को ठीक किया जाए। बार बार पहले पर इसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। हमारी प्रशासन से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। लोगों का कहना है कि बारिश पहले ही गड्ढों को भरने के लिए केवल मिट्टी डालकर विभाग इतिश्री कर लेता है, और अब बारिश से गड्ढों के बीच पानी भरने से दुकान में कीचड़ आ रहा है और सामान खराब हो रहा है। जब भी गाड़ी जाती है तो वहाँ पत्थर अंदर की तरफ आता है, तो शीशे टूटने का डर रहता है। आते जाते कई बाइक स्लिप हो रही है, तो गाड़ी खड्डे से टेढ़ी हो रही है। बच्चे यहाँ मैक्सिमम बच्चे उतरते हैं स्कूल से, तो उनको मुश्किल होती है। तो बाकी प्रशासन को कई बार बोला इसकी फिटिंग करा दो, मिट्टी डालते हैं चले जाते हैं, जब भी आती मिट्टी डाली और चले गए। मिट्टी सारा दिन मिट्टी में उड़ती रहती है, कोई बज रही है कोई, इसकी फिटिंग कोई ढंग से कोई नहीं करता। ऊपर गाड़ी चढ़ती है तो प्रॉब्लम होती है, सारा दिन मिट्टी डालेंगे सारा दिन धूप चाहिए हुई, अब खड्डे पड़े हुए कोई नहीं कर रहा। कल इतनी सारी बारिश हुई तो आपको क्या दिक्कत आई? और दिक्कत देखो ना, छींटे सारा सामान बाहर खराब हो, गाड़ी जाती है छींटे, जैसे खड्डे में टायर जाएगा तो छींटे पड़ेंगे, सारा सामान गंदा हो रहा है, कीचड़ अंदर आएगा, शीशे तक खराब हो रहे हैं कीचड़ से। अब आज सूखा तो सूखा, वैसे आज पत्थर आ रहे हैं बाहर से बजरा जितना भी है टायरों से अंदर आ रहा है। बाकी कई बार बोला भी, अब टायरिंग की है, टायरिंग भी पतली सी गाड़ी है वो भी उखड़ गई। भोटा चौक के दुकानदार ने बताया कि राजनेता तो स्वयं सड़कों पर चलते नहीं हैं और जनता की परेशानी की परवाह नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि भोटा चौक में जरा सी बारिश होने पर भी सारा पानी दुकानों में घुसता है।
ये जो खड्डे पड़े हैं ना, बारिश की वजह से सारे खड्डे पड़ गए और सारा पानी अंदर आ रहा है, और ये कई बार पत्थर भी अंदर जाते हैं तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, और प्रशासन के इनको मिट्टी से भर देता है, और मिट्टी के भरने के बाद एक दो दिन के बाद फिर वैसे हो जाते हैं। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इनको पूरा पैच वर्क किया जाए। जो खड्डे हैं उससे बहुत दिक्कत हो रही है, और पानी वगैरह जो लोगों को दुकानों में जाना है सारा, तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि जल्दी से जल्द ठीक किया जाए। और यहाँ पर साथ में पुलिस वालों का ये ड्यूटी है, यहाँ पर खड़े होते हैं ये, इधर भी बारिश से पानी वगैरह जो सबको पहुँच जाता है तो सारा ये मतलब मिलता है, और पानी जो है मिलता है, तो उसके बारे में भी इससे थोड़ा सा ध्यान रखी जाए कि उसकी मेंटेनेंस की जाए। ये सीएम साहब यहाँ से नहीं बन पाए तब से ही ये मेन प्रॉब्लम बनी हुई है। आज सभी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि सीएम का पद क्या होता है, सीएम का पद ना होने से कितनी प्रॉब्लम आ रही है, खासकर हमीरपुर सिटी में इतनी भारी बारिश हुई, सारा पानी जो है वो दुकानों में घुसा, सड़कों की हालत दयनीय है, किसको पूछें। जरा देखो पैदल चल के तो देखो, जो भी मेन बॉडीज़ हैं इस कंस्टिट्यूंसी की, ये उनकी ड्यूटीज़ है, कम से कम इन बातों का ध्यान जो है वो तो उन्हीं को रखना होता है। लेकिन ये मेन प्रॉब्लम यहीं आती है कि जब से ये सीएम साहब यहाँ से गए हैं तब से ये सारी हालत जो है वो दयनीय बनी हुई है, इसका मेन कारण यही है, इसी को मैं मेन मानता हूँ। बाकी पानी की तो अब ये मेन प्रॉब्लम बन चुकी है, जब भी थोड़ा सा भी बारिश होती है एकदम पानी जो है वो दुकानों में आता है। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, कमेटी लेगी, PWD लेगा, कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, ये तो इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर निर्भर बात करती है। हमारा व्यापारियों का क्या है, पानी आता है लग जाते हैं अपने काम में, ठीक है नहीं, गड्ढे यहाँ से लेकर आप बस स्टैंड जाओ, नदौड़ चौक जाओ, कितनी प्रॉब्लम है यहाँ, किसने देखना है, पब्लिक ने देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कौन जगाए, जिनके पास गाड़ियाँ वो डेली कंप्लेंट करें ऑफिस में जाके कि हमारी गाड़ी में ये हो रही है प्रॉब्लम इस खड्डे की वजह से,